नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि बीजेपी लगातार चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर रही है बताते चलें, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने खुलेआम की है बेईमानी। भाजपा के थे 16 वोट और विपक्ष के थे 20 वोट, लेकिन फिर भी चंडीगढ़ में भाजपा का मेयर बना है। भाजपा के 16 वोट यहां पर पड़े, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पक्ष में 12 वोट दिखाए गए, जबकि विपक्ष के 8 वोट यहां पर रद्द कर दिए गए। संदेह सबसे बड़ा तो यही है कि भाजपा के सभी मत यहां पर सही पड़े, लेकिन सभी रद्द मत विपक्ष के ही आखिर क्यों है? ये लोकतंत्र में यहां पर संदेह पैदा करता है। और इतना ही नहीं, चंडीगढ़ महापौर चुनाव में भाजपा की जीत को यहां पर चुनौती दे दी गई है, हाई कोर्ट में मामला पहुंच गया है। जी हां दोस्तों, ये यहां पर इस समय की बड़ी अपडेट आई है कि मामला हाई कोर्ट में पहुंच गया है और जो बेईमानी की गई है उसको कोर्ट में चुनौती दी गई है और तत्काल सुनवाई की मांग भी कोर्ट के अंदर की गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले, चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जीतने के लिए इंडिया गठबंधन वालों के पास यहां पर पर्याप्त संख्या थी, लेकिन अधिकारी ने 8 वोट निरस्त कर दिए। अब वहां पर भाजपा का मेयर बन गया है, कैमरे में अधिकारी बैलेट पेपर के साथ में छेड़छाड़ करते हुए भी देखे गए हैं। अब इस पर कोर्ट क्या निर्णय लेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई यहां पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बैलेट पेपर के साथ में छेड़खानी की जा रही है। पूरे मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिन दहाड़े जिस तरह से बेईमानी की गई है वो बेहद ही चिंताजनक है। यदि एक मेयर चुनाव में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाव में तो ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बेहद ही चिंताजनक है। ये यहां पर केजरीवाल की तरफ से पूरे मामले में दोस्तों बयान सामने निकल के आया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर एक और चौंकाने वाला वाकया बताते चले, यहां पर चंडीगढ़ में मेयर चुनाव में जैसे ही बैलेट पेपर के साथ में छेड़छाड़ कर नतीजों की घोषणा की गई, वैसे ही बीजेपी के सभी पार्षद आकर के अधिकारी की कुर्सी पर कब्जा करके बैठ गए और बैलेट पेपर चुरा करके अपने साथ में ले गए। दिन दहाड़े कैमरे के सामने ऐसी घटना यहां पर शायद ही किसी ने पहली बार देखी है। लोकतंत्र को सरेआम कुचला जा रहा है देश के अंदर, चुनाव का मखौल बनाया जा रहा है दोस्तों। आज की तारीख में एक मेयर जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी इस हद तक गिर सकती है तो सोचिए राज्य स्तर और केंद्र के स्तर पर जो चुनाव होता है उसमें बीजेपी किस तरह की यहां पर घपलेबाजी करती होगी, इसका अंदाजा लगाना भी शायद यहां पर मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को बताते चले कि कमाल हो गया क्या, भाजपा का 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की तैयारी भी ऐसी ही है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट कुछ इस प्रकार से पड़े, भाजपा उम्मीदवार के पास में यहां पर 16 वोट थे, इंडिया गठबंधन के पास में 20 वोट थे, लेकिन मेयर किसका जीतता है? बीजेपी का। यह चौंकाने वाली बात है कि इंडिया गठबंधन के ही 8 वोट यहां पर रद्द कर दिए गए। दोस्तों सोशल मीडिया पर कई वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि चुनाव अधिकारी बैलेट पेपर के साथ में किस तरह से यहां पर छेड़खानी करते हुए नजर आ रहे हैं। भारत के चुनाव आयोग में सदस्यों का चयन प्रधानमंत्री और उनके द्वारा मनोनीत मंत्री के द्वारा होगा, तो क्या लोकसभा चुनाव यहां पर निष्पक्ष हो सकता है? भारत का प्रजातंत्र पूरी तरह से खतरे में है। लोगों ने यहां पर सोशल मीडिया पर यह सवाल भी उठा दिया है, यानी कि अब मामला ईवीएम तक ही दोस्तों सीमित नहीं रहा है। आज यहां पर बैलेट पेपर के जरिए मतदान हुआ और बीजेपी वालों ने जबरदस्त तरीके से बेईमानी की। बहुमत होने के बावजूद भी यहां पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हार गया और बहुमत ना होते हुए भी बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत गया। चुनाव आयोग खामोश है। अब यहां पर पूरी उम्मीद कोर्ट से ही लगाई जा रही है कि कोर्ट से जरूर न्याय मिलेगा दोस्तों इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को, क्योंकि इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का रोते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वह कहते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं कि उनके पास में बहुमत था लेकिन साजिश के तहत में
उनको यहां पर चुनाव हरा दिया गया और वे यहां पर रोते हुए उनका वीडियो भी वायरल हो चुका है दोस्तों। और इतना ही नहीं, बताते चले बिहार से खबर आ रही है आप लोगों को, जहां पर राहुल गांधी ने एक विशाल रैली को संबोधित किया है जिसमें 3 लाख से भी ज्यादा लोग यहां पर मौजूद रहे। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि थोड़ा सा दबाव बढ़ते ही नीतीश कुमार यू टर्न ले लेते हैं। राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए आगे कहा है कि बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के साथ महागठबंधन है। हम लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे, जरूर हराएंगे। हमें ऐसा करने के लिए नीतीश कुमार की कोई जरूरत नहीं है, वे चले गए ये बहुत अच्छी बात है। ये यहां पर राहुल गांधी ने निशाने पर ले लिया है नीतीश कुमार को। दोस्तों बताते चले ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी कोई भी ऐसा नेता इंडिया गठबंधन के अंदर नहीं चाहते हैं जो बाद में पलटी मारे। वे चाहते हैं कि जिसको जाना है वो पहले ही चला जाए बीजेपी के साथ में। इसीलिए यहां पर ये बयान राहुल गांधी का काफी महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि ये दिखाता है कि भाजपा इतने छोटे से मेयर चुनाव में अगर इस प्रकार की गैर कानूनी और असंवैधानिक घटना को अंजाम दे सकती है, तो लोकसभा चुनाव की हार को देखते हुए ये लोग आखिर क्या करेंगे, इसका अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। क्या भाजपा इस देश को नॉर्थ कोरिया बनाना चाहती है जहां चुनाव ही ना हो। ये यहां पर राघव चड्ढा ने जोरदार हमला किया है दोस्तों बीजेपी पर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के मुद्दे पर। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल का बड़ा बयान। बोली, आज के हार के डर से विपक्ष के 8 वोट कैंसिल कर दिए, ये आखिर कैसी बेशर्मी है। अगर याद हो तो इस देश में अभी भी लोकतंत्र है, छोटे से मेयर चुनाव के जीतने के लिए ऐसी गुंडागर्दी ये लोग कर रहे हैं, ये कहना है स्वाति मालीवाल का। दोस्तों उन्होंने भी पूरे मुद्दे पर अपनी राय रखी है और बीजेपी को निशाने पर लिया है। इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों को यहां पर बताते चले कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर के पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने कहा है कि आज का दिन हमारे देश के लोकतंत्र में काले दिन के लिए यहां पर याद किया जाएगा। दुर्भाग्य से यह वही महीना है जब हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। आज संविधान को तार तार किया गया है बीजेपी की तरफ से। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को जिस तरह मीडिया के सामने, कैमरे के सामने भाजपा ने लूट लिया, उन्होंने इसके पहले मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, पूर्वोत्तर राज्यों में भी ऐसा ही किया था, तो ये उनकी पुरानी आदत बन चुकी है। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इनको कोई भी लोकतंत्र की परवाह ही नहीं, ये कहना है भगवंत मान का, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। इसके साथ ही राहुल गांधी का बड़ा बयान। बोले, जो राजनेता किसानों की जमीन बचाने की बात करता है उसके खिलाफ मीडिया 24 घंटे आक्रमण शुरू कर देती है। गोदी मीडिया को राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाने पर दोस्तों लिया है। इस समय की आज की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।